प्रतिवर्ष की भांति श्रावण के महीने में, हर श्रावण के महीने में जिस प्रकार की जन भीड़ रहती है मंदिरों में, वैसी ही भीड़ है। और ये भगवान की ससुराल है दक्षेश्वर महादेव मंदिर, इसलिए इस मंदिर में दूर दूर से श्रद्धालु भगवान के ऊपर गंगा जल चढ़ाने के लिए आते हैं। कांवड़ में भर के गंगा जल लाते हैं और भगवान शिव पे जलाभिषेक, गंगा जलाभिषेक करते हैं। श्रावण के महीने में शिव की पूजा का बड़ा बड़ा विधान है। चतुर्मासी के बाद भगवान विष्णु के एक देव सैनी एकादशी देवता के शयन हो जाने के बाद से सत्ता भगवान शिव के हाथ में रहती है, और भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं और अपने ससुर को यह वरदान दिया था कि श्रावण के महीने में मैं कनखल में अपने ससुराल में ही निवास करूँगा। तो भगवान शिव अपने ससुराल अर्थात कनखल में ही विराजमान रहते हैं, इसलिए लोग पूर्ण श्रद्धा भक्ति और विश्वास के साथ भगवान महादेव को जलाभिषेक करने के लिए दूर दूर से आते हैं। अपने श्रद्धानुसार दूध दही शहद बिल्वपत्र बूरा इत्यादि चीज़ें भी भगवान शिव को अर्पित करते हैं, किंतु भगवान शिव चूँकि गंगा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं और चंद्रमा को भी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, इसलिए चंद्रमौलेश्वर कहलाते हैं। तो चंद्रमा अर्थात सोमवार के दिन गंगा जल से भगवान शिव के जलाभिषेक का बहुत ही महत्व है, इसलिए दूर दूर से लोग यहाँ पर जलाभिषेक करने आ रहे हैं। आज सावन का दूसरा सोमवार है। हाँ जी, सावन का दूसरा सोमवार। क्या मान्यता? यहाँ की बहुत मान्यता है, यहाँ पर सभी लोग आते हैं, दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भगवान शिव, कहना है कि सावन में यहीं पर भगवान शिव वास करते हैं सावन में, क्योंकि इनकी ससुराल है यहाँ पर, और यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर अगर हम भगवान को जल चढ़ाते हैं तो यहाँ मन्नतें पूरी होती है सभी की, सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है, इसीलिए सब लोग विश्वास से यहाँ पर आते हैं। आपने दर्शन किए? हाँ जी। क्या मानना? बस सुख शांति बनी रहे घर में, और बच्चे पढ़ें लिखें योग्य बने। प्रेमा बटोला है, कनखल से भैरव। सावन का दूसरा सोमवार है। हाँ जी। क्या मान्यता? हाँ जी। क्या विशेषताएं हैं मंदिर की? तो बहुत विशेषताएं हैं, और यहाँ जो है शंकर सती ने अपना वो मतलब शरीर वो हवन कुंड में अपना शरीर त्यागा था, दक्ष पुत्री थी उन्होंने बस, और जो है शंकर भगवान का उनसे विवाह हुआ था, और उन्होंने जो है मतलब ये बहुत लंबी कथा है, उन्होंने जो है कथा नहीं सुनी थी उन और भगवान जी ने सुनी थी, तो इसी कारण उनको शरीर त्यागना पड़ा यहाँ पर, दूसरा रूप पार्वती जी का रखना पड़ा। आप भी जलाभिषेक करने के लिए आए? हाँ जी। क्या मांगा? हाँ जी। क्या मांगा बोले? कुछ नहीं जी, बस अपना ऐसे दिल की संतुष्टि के लिए, बस मांगना क्या, सब कुछ तो उन्होंने दे रखा है, क्या मांग सकते हैं, भगवान से मांग क्या सकते हैं, सब कुछ तो देते हैं। जैसे माँ बाप बच्चे की जरूरत को जानते हैं, ऐसे वो भी सबको जानते हैं कि क्या हमारे बच्चे को चाहिए, तो उनसे तो मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। लाल आज सावन का दूसरा सोमवार है। जी हाँ जी। अभिषेक करते हैं जी। जी क्या मान्यता है? यहाँ की मान्यता ये है कि प्रभु जो है पूरे महीने सावन सावन जो है यहीं रहते हैं भोलेनाथ जी, सबसे बड़ी मान्यता है। और दूसरी बात यह है, ये जो है भोले की ससुराल है, जिसकी जिसकी वजह से इसकी ज़्यादा मान्यता है, यहाँ से लोगों की श्रद्धा जो है पूरी हो जाती है, जो भी उनकी इच्छा होती है वो मानना ये है कि पूरी हो जाती है सबके साथ, इसलिए लोग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।